हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आप बॉल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और दूसरा रीजन आप मैच में अंडर प्रेशर में खेल रहे हो। तो अगर आपकी फील्डिंग वीक है तो इस वीडियो में आपको कुछ फील्डिंग टिप्स दूंगा, आपको फील्डिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने ये जो आज इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा इसको अगर आपने फॉलो किया तो मैं गारंटीड देता हूँ आपकी फील्डिंग का जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो, ये हमारा यूजर नेम। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट टिप है योर हैंड पोजीशन वाइल टेकिंग कैचेस। तो काफ़ी बिगनर्स कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए कैचिंग करते वक्त, उन्हें नहीं पता कि वो कैच ऐसे कब पकड़ना है और ऐसे कब पकड़ना है। तो इसमें बहुत ही एक सिंपल सी टिप बताऊंगा जिससे आपकी फील्डिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कैच ऐसे कब पकड़ना है। आपको कैच ऐसे तब पकड़ना है जब बॉल कमर लेवल के नीचे की हो। अब कमर लेवल के नीचे की थी बॉल तो मैंने इसीलिए इस बॉल को ऐसे पकड़ा, मैंने इसको ऐसे नहीं पकड़ा। अगर मैं इस बॉल को गलती से भी ऐसे पकड़ता तो वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैच ऐसे कब पकड़ना है। ऐसे आपको कैच तब पकड़ना है जब बॉल आपके कमर लेवल के ऊपर की हो। अब कमर लेवल के बॉल के ऊपर की आपको बिल्कुल ऐसे कैच पकड़ना है। अब अगर आप स्लिप फील्डर हो, स्लिप में काफी सारे कैचेस कमर लेवल के ऊपर के आते हैं तो इससे आपकी स्लिप की फील्डिंग काफी हद तक इंप्रूव होगी। तो इस पे ध्यान क्या रखना है, आपको जब भी बॉल कमर के लेवल के ऊपर की हो तब आपको ऐसे पकड़ना है, अब नीचे की हो तो ऐसे पकड़ना है। तो हमारी सेकेंड टिप है ब्लॉक द बॉल। अब ब्लॉक द बॉल होता क्या है, इससे आपकी फील्डिंग कैसे इंप्रूव होगी। तो मैं आपको बता दूं, ब्लॉक द बॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है अगर आपको बॉल रोकनी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाउंड्री लाइन पे खड़ा हूँ और मेरी तरफ बॉल तेजी से आ रही है, अगर मैंने उस बॉल को ऐसे पकड़ा तो इस ऐसे पकड़ने से मुझे डिसएडवांटेज क्या होगा। अगर गलती से भी बॉल मेरे हाथ से पिसली तो चौका जाने का चांसेस है। तो मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे ऐसे पकड़ूंगा। अब ऐसे पकड़ने से मुझे फायदा क्या होगा, ऐसे पकड़ने से मैं अपना एक बैकअप रख रहा हूँ, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ अपने पैरों से। तो अगर गलती से भी मेरी बॉल हाथ से छूटी तो वो मेरे पैरों से ब्लॉक हो जाएगी, तो चौका जाने का बहुत कम चांसेस है। तो इससे ये फायदा है, आपको बाउंड्री लाइन पे अगर तेजी से बॉल आ रही है तो आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना। तो थर्ड टिप है हमारी क्लोज कैचिंग। अब क्लोज कैचिंग करने के लिए आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। रिएक्शन टाइम इसलिए फास्ट होना चाहिए क्योंकि आप फील्डिंग करते वक्त बैट्समैन के बहुत करीब होते हो और आपको क्लोज कैचिंग करने के टाइम आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको आपके नीज बेंड रखने हैं, आपको अपने नीज ऐसे बेंड रखने हैं और आपको बॉल ऑफ द फुट पे खड़ा रहना है। अब बॉल ऑफ द फुट कौन सा है आपका, इस पे आपको इस पे खड़ा रहना है, इसको बॉल ऑफ द फुट कहते हैं। आपको इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपना वेट कभी भी ट्रांसफर कर पाओगे और कभी भी बॉल तेजी से आए तो आप डाइव भी मार सकते हो, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो क्लोज कैचिंग करते वक्त दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है कि आपके हाथ जो है वो एक साथ होने चाहिए और आपके हाथ एकदम ऐसे नीचे होने चाहिए और हाथों की पोजीशन बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे फील्डर्स की ये आदत होती है कि वो अपने नीज पे ऐसे हाथ रख दे, तो आप ऐसे रख सकते हो पर जब तक बॉलर ने बॉल ना फेंकी हो तब तक आपको ऐसे रखना है। एक बार बॉलर ने बॉल फेंक दी तब आपको फटाक से आपको ये पोजीशन में आ जाना है। तो अगर आपको ये पोजीशन में आ जाओगे तो आप क्विकली कैच पकड़ लोगे। तो क्लोज कैचिंग करते वक्त जो तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि आपका हेड जो है एकदम स्टेडी रहना चाहिए, ज़्यादा इसमें हलचल नहीं रहनी चाहिए और आपके आई भी लेवल में होने चाहिए और आपका फोकस एकदम इस बॉल पे होना चाहिए। और अब मैंने काफ़ी सारे फील्डर्स को देखा है कि उनका फोकस बैट्समैन पे होता है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका फोकस आपको बॉल पे रखना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप क्विकली जज कर पाओगे कि आपके तरफ बॉल आ रही है कि नहीं आ रही है और कहाँ आ रही है। तो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको टिप्स बताई है इससे आप फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इससे आपकी फील्डिंग किस हद तक इंप्रूव हुई। और अभी भी आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वहाँ पे मैं आपको रिवर्ट करके आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।